हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपको आदर और दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, आज आपको ढेर सारी बरकत, ढेर सारी आशीषें, ढेर सारी चिंताएँ आपके जीवन से जाने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से रात्रि के समय आज जितने भी मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता, इनके जीवन की देख रेख कर पिता, इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे। इनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। चाहे वो आपकी बीमारी से लेकर के हर प्रकार की समस्या से उसको छुटकारा देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बड़े हिवाओ के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस रात्रि के समय आज प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में ब्लेस करेगा, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यदि आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, आपकी बातों को नहीं मानते हैं, आपकी बातों पर नहीं चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उन्हें ज्ञान दूंगा, मैं बुद्धि दूंगा, मैं समझ दूंगा। बहुत सारे माता पिता भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रेयर के सुन रहे हैं, जिनके बच्चे हैं, इनके बड़े बच्चे हैं, इनके छोटे बच्चे हैं, इनके बहुत सारे बच्चे हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारी आशीषें देने जा रहा है। अगर आपकी आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं और बुरी संगतों में पड़ जाते हैं और बड़े बड़े बुरे काम करते हैं, परमेश्वर आज उनको ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की अच्छी लाइफ के लिए, जीवन के लिए और अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, ध्यान पूर्वक इस प्रार्थना को सुनना होगा, ताकि आज परमेश्वर आज आपके दिल में, आपके बच्चे के दिल में प्रवेश कर सके और परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। यदि आज आपके बच्चे हैं तो आप इस प्रार्थना को जरूर ग्रहण करना है, और बच्चे हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि उसके लिए क्या प्रार्थना करना है, क्या विनती करना है, क्योंकि आपके बच्चे ही आपके लिए और आने वाले समय के लिए परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर के राज्य को सुसमाचार का प्रचार करेंगे, क्योंकि वही परमेश्वर उनमें से चुनने वाला है, आपके बच्चों को समय से चुनने वाला है। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, जितने इस समय मस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत, ढेर सारी आशीषें देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। इस रात के समय परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा, जरूर आशीष करेगा। आपके यदि बच्चे आपके पास हैं इस समय तो अपने पास रखिए, उनको सुनाइए, उनको प्रार्थना करवाइए, उनको सिखाइए। अगर आपके बच्चे आपकी बात को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है ध्यान पूर्वक सुनिए, इस वचन को सुनिए, क्योंकि आपको अंत तक इस प्रार्थना को करना है। अगर अपने बच्चे को एक बेहतर लाइफ, एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, इसे एक अच्छा अधिकारी बनना चाहते हैं, अच्छा नौकरी पाना चाहते, देखना चाहते हैं, अच्छी जॉब को पाना चाहते हैं, अच्छे ज्ञान बुद्धि और समझ को पाना चाहते हैं, तो आप प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि आपसे ही आपकी, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा, वैसे आप पेड़ हैं, आपके बच्चे फल हैं, तो इसी तरीके आपको ग्रहण करना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों को आशीर्वाद देने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप पेड़ हैं और आपके बच्चे फल हैं, यदि जैसा पेड़ होगा वैसा फल उसके पहचाने जाएंगे। यदि आज आप अच्छे होंगे, अपने बच्चे के प्रति प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और अपने बच्चे को बहुत अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे ज्ञान देना चाहते हैं, बहुत अच्छा बुद्धि देना चाहते हैं, उसको अच्छी समझ देना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनाना चाहते हैं और इस संसार से वह प्रेम ना करें, क्योंकि उसे अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छे कारोबार उसका चले, यही आप चाहते हैं कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे हमेशा खुशी रहें, मेरी बेटियाँ, उनके लिए अच्छा रिश्ता मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छी बुद्धि मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी नौकरी मिले, सभी लोग चाहते हैं। इस प्रार्थना को सुनना और बड़े हिवाओ के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी देरी के साथ इस समय जितने मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं
इनके जीवन परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा, ढेर सारी आशीषें देने जा रही सुनासरी के नाम से। जो हार चुके हैं अपने बच्चे के लाइफ से, जीवन को लेकर के परेशान हैं, हताश हैं, बीमारी से, दुख से, मुसीबत से पीड़ित हैं, चिंता हैं, बहुत सारी समस्या उनके लाइफ में, जीवन में है, लेकिन परमेश्वर कहता है तो मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरे बच्चों को संभालूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, तेरी बिजनेस को संभालूंगा, तेरी जॉब को मैं देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर खुदा कहता है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 12 में परमेश्वर ने क्या कहा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। इस बात को याद रखना, जो शिक्षा पाने से प्रेम करता है वो ज्ञान पाने भी प्रेम करता है। सीखने की कोशिश करता है तो उसे ज्ञान चाहिए। इसीलिए आज यदि आज आपके बच्चे नहीं सुनते आपकी बातें और वो ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को नहीं सीखने की कोशिश करते हैं और बुराइयों के संगत में चलते हैं, बुराइयों के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिए हैं, तो परमेश्वर उनको छुड़ाने जा रहा है, उनको आजाद करने जा रहा है। हर एक मसीह भाई भाई अपने बच्चे का नाम लिख करके उसके बारे में बताइए कि कितने बच्चे आपकी बातों को सुनते हैं, कौन बच्चा आपकी बातों को मानता है, कौन नहीं मानते हैं, उनके नाम लिख करके बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए। हर एक मसीह भाई बहन इस समय जो प्रार्थना को सुन रहा है, हर एक व्यक्ति मैं कहता हूँ कि अपने बच्चे के बारे में लिखे, क्योंकि आपके बच्चे नहीं हैं तो अब भी परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। आप अपने बारे में लिखिए कि आपके बच्चे नहीं हैं, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की सारी समस्याओं को वो खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने हमें चुना है, आपने हमें संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। परमेश्वर ने उसे मूर्ख कहा है, उसे गधा कहा है, क्योंकि जो डांट नहीं खाएगा वो कभी जीवन में सीख नहीं पाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि पिता अपने पुत्र को हमेशा डांटता है और हमेशा मारता है। इसीलिए आज आपको परमेश्वर आपके बच्चों को, आपको आशीष को आपके पास भेजना चाहता है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चों को अपने आपके पास भेजना चाहता है और आपके बच्चे की आशीष को उसके पास भेजना चाहता है। यदि आप पाना चाहते हैं आशीष को, उसको अच्छे ज्ञान मिले, अच्छी ताकत मिले, अच्छी बुद्धि मिले, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सके, अच्छा उसका मन लग सके और बुरी बातों से हट करके उसका मन अच्छी बातों में लग सके, कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा बिजनेस करने के बारे में सोचे, कुछ अच्छा बड़ा कार्य करने के बारे में सोचे, बड़ी जॉब करने के बारे में सोचे, यदि ऐसा चाहते हैं आप तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आप कमेंट के माध्यम से हर एक मसीह भाई बहन बताइए। मैं इसलिए कमेंट के माध्यम से कहता हूं क्योंकि आपके फोन कॉल्स इतना रिसीव नहीं कर पाते हैं, आपके ईमेल्स को नहीं देख पाते इतना, और आपके कमेंट को हम जरूर पढ़ते हैं, इसलिए कि वहाँ पर सभी मसीह भाई बहनों के कमेंट एक साथ मिल जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे हमें पढ़ने में आसानी होती है। और आपको देख करके और आपके वचन और जो परमेश्वर आपको वचन देता है उसके माध्यम से हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और आपके जो कमेंट्स होते हैं उसको देख करके पढ़ करके हमें बड़ी खुशी मिलती है कि परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देता है, आपको आशीष देता है, और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दें, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारी आपके जीवन में आशीषें परमेश्वर दे। इसीलिए आपको चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है कि आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो जरूर सुनेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर सुनेंगे। आज के बाद मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं धैर्य का आपको कहता हूं कि धैर्य विश्वास रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जिसने इस संसार से प्रेम किया और प्रेम किया और लोगों को बचाया और लोगों को सिखाया, लोगों को ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि बच्चों से प्रेम करो और बच्चे से प्रेम करो और बच्चे आपसे प्रेम करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, बड़े विश्वास के साथ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य तो यहोवा से प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले वह दोषी ठहराता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भले मनुष्य से तो यहोवा हमेशा प्रसन्न रहता है, लेकिन जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो सुधरने की कोशिश नहीं कर सकते, लेकिन बुरे तो सभी होते हैं, लेकिन जो सुधरने की कोशिश करता है, संभलने की कोशिश करता है और सीखने की कोशिश करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है।
उससे प्यार करता है। यदि आज आपके बच्चे हैं, यदि वो गलत काम कर रहे हैं, अगर वो सुधारने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है, तो क्या आप खुश नहीं होंगे? आप खुश होंगे, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सुधरने की कोशिश करती, सीखने की कोशिश करती है, इसीलिए आप खुश रहेंगे। उसी तरीके वो सच्चा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर जो हम सबका पिता है, वो हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस समय जो स्वर्ग में है, उसका हम बहुत बहुत आदर और महिमा सम्मान करते हैं, इसीलिए वो हमसे प्रसन्न रहता है। बुराइयां तो हर इंसान के अंदर है, दुख हर इंसान के अंदर है, तकलीफें हर इंसान के अंदर है, इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना ग्रहण करना है। परमेश्वर हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक चिंताओं को वो मिटा देगा इस नासरे के नाम से। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि तुम मेरी बेटी और बेटियां हो, इसलिए मैं तुझे ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, ताकत दूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता है, यानी कोई दुष्टता करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्थिर नहीं होगा। अगर उसके अंदर बुराइयां हैं, अगर वो सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, परमेश्वर कहता है तुझे तू धीरे धीरे सीख, तुझे मैं ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा, तू उन बातों को सीखेगा जो तो इनको बातों को नहीं समझता है अभी। इसीलिए परमेश्वर कहता है धीरे धीरे आपको सीखना है, आपके बच्चों को सीखना है, क्योंकि जिंदगी होती है जो परमेश्वर ने दी है हमेशा मेहनत करने के लिए, हमेशा सीखने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए। परमेश्वर का यही ज्ञान है और यही प्यार है, उसकी यही परमेश्वर ने जो बुद्धि और समझ दी है, इसके लिए बहुत बहुत आदर और महिमा सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्ति को हमेशा वो छल की होती है। इसीलिए परमेश्वर आज आपके कामों में आशीष देने जा रहा है, आपके बच्चों पे आशीष देने जा रहा है, आपके बच्चों को परमेश्वर ढेर सारी आशीर्वाद देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। यदि आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो आज के बाद मानेंगे यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं, अपने आंसुओं से पिता परमेश्वर भिगोते हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके दर्द को देख, उनकी तकलीफ को देख, उनकी चिंताओं को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक व्यक्ति की मन की बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छो पिता परमेश्वर, जिनके माता पिता भी रो रहे हैं, उनके बच्चे बातें उनकी बातों को नहीं मानते, इनके बिजनेस इस समय बहुत ज्यादा घाटा हो चुका है, लॉस हो चुका है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रॉफिट करिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर लाभ दीजिए यीशु नासरी के नाम से, ताकि वो अपने जीवन को अपने बच्चों के दो वक्त की रोटी दे सके पिता परमेश्वर, उनको पाल सके, उनको ज्ञान दे सके, उनको बुद्धि दे सके और आपकी बातों को सिखा सके। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा, ढेर सारी आशीषें देने जा रहा, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, वो आपके बच्चों को आशीष देगा यीशु नासरी नाम से। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपका आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुना है, आपने हमें संभाला है, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें ज्ञान दी, आपने हमें बुद्धि दी। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और दिल से आपका थैंक यू करते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े ही विवाह के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी
महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे पिता, उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए, यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखी थे, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। ये समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है, वह हर प्रकार की आपकी निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हों, चाहे पत्नी हों, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छो पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं उनके पिता परमेश्वर, जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से, ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके
आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं सुर्ख नासनी के नाम से, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन के हर प्रकार की बीमारियों को चला दी सुनासरी के नाम से, उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दी सुनासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है सुनासरी के नाम से पिता। आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं सुनासरी के नाम से, आज वो आपके चलने वाले हैं, आज आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाड़ विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है, आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग कितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से, वो हटने वाली सुनासरी के नाम से पिता। आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी सुनासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी सुनासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो सुनासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो सुनासरी के नाम से, आज वो इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, उनके फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए, रखिए इसी वक्त, अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रहा है सुनासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज चंगा होने वाला है सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं सुनासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं सुनासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर, अपनी दिल की बातों को आप तक पहुँचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं सुनासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं सुनासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों को कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर।
उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी। सुनासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सत्कलम 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, वो अंधकार के बल जाए सुनासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप कर्जे बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है सुनासरी के नाम से, उसको हटा दे सुनासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली सुनासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली सुनासरी के नाम से रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स हैं, पिंपल स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीवी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द सुनासरी के नाम से, आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोईयां जाए सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के दरवाजे जो जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर हाई लो की बीमारी है ये सुनासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके, अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई सुनासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में मुसीबत में है, ये सब ये दबे हुए सुनासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप बंधन कर्ज सब टूटने पाई सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं सुनासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर, अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते, आज के बाद वो रुकेंगे सुनासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना करते हैं सुनासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं सुनासरी के नाम से, आपने स्वर्गदूतों को अपनी आज्ञा दी सुनासरी के नाम से, कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, सुनासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें सुनासरी के नाम से पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर सम्मान करते हैं, हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है सुनासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं, हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाले सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले सुनासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं सुनासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके, और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़े और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हों जिनको जरूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करें, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।